नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज मैं एक ऐसे मेरे बच्चे से, ऐसे स्टूडेंट से आपसे मिलने जा रहा हूं जो 96 में खुद मेरे पास पढ़ते थे, आज आपका बेटा बेटी सीएलसी में पढ़ रहे हैं। 11-12 फाउंडेशन में थे आप, टारगेट में आए हैं। आपके दादाजी हैं बच्चों के, आपके पिताजी, हमारी बहू और आप, आपके साथ हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं। और साइड में हमारे हरियाणा से हमारे भाई बैठे हैं, भारद्वाज जी, हमारी मैडम और इनके साथ एक मित्र जो एडमिशन के लिए आए हुए हैं। कैसा लग रहा है ये आज के, मैं महसूस कर सकता हूँ कि 96 में आप मेरे पहले एडमिशन थे। चंद्रभान गोयल यहाँ हमारे एक अच्छे मित्र थे, व्यापार में अध्यक्ष थे, खैर वो दुनिया में नहीं है, भगवान उनको स्वर्ग वो जगह दे, उनके थ्रू आप एडमिशन हुए। डुंडलोद एक जगह है मुकरनगढ़ के पास, सेठों का शहर बोलते हैं, आप गोयल परिवार से हैं। तो अनिल जब आए थे 96 में, फर्स्ट बैच में 10-12 बच्चे थे, तो एक बात तो अनिल 96 की वो टिन शेड की कोचिंग और आज ये एक इतना बाबा के आशीर्वाद से एक ठीक सा एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट, इस यात्रा को देख के उसके बाद पहली बार आप आए हो कि आपके बच्चों के एडमिशन के बाद बाबूजी आए थे, तो आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सीएलसी की यात्रा को, बताएं प्लीज आप। मैं तो ये कहना चाहूँगा 96 में मैंने जब यहाँ एडमिशन लिया था, कोर्स किया था, भाई साहब लेके आए थे मेरे को, तो उसके बाद मेरे को शादी हुई, बच्चे हुए और आज ये बच्चे बोस के सर के सुपुर्द कर दिए हैं। अब ये आपको कैसे लगी यात्रा? आप जब 96 में सीएलसी थे तब की कल्पना और आज एक सीएलसी एक वटवृक्ष का रूप लेने जा रही है, ये यात्रा कैसी लग रही है आपको? क्यों आप एक महाजन परिवार के व्यक्ति हैं, गोयल परिवार से हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि महाजन व्यक्ति हमेशा दिमाग से ज़्यादा कंपेरेटिवली 2 कदम आगे होते हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तभी मैंने देखा कि भाई बच्चे को यहीं पे छोड़ना चाहिए और यहीं से अच्छा रहेगा, बच्चे का भविष्य सुनहरा रहेगा। दोस्तों इसको बोलते हैं 2 पीढ़ियों में विश्वास। एक पीढ़ी पढ़ी 96 में, दूसरी पीढ़ी आज पढ़ रही है 2021 में, 20 में, और आई थिंक 20 साल मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ना, क्यों पंडित जी? आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं, तो 3 पीढ़ी मुझे पढ़ानी है। मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास की बात याद आती है, और डॉक्टर साहब घर गया तो डॉक्टर साहब के खुद का बहुत अच्छा घर है वहाँ दिल्ली के पास ही एक जगह जो है, नाम दिमाग मेरा मिस हो रहा है, आपके पास के पास से आपके फादर साहब रहते हैं, तो फादर साहब रहते हैं, वो घर थोड़ा सामान्य है, डॉक्टर का घर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, VIP आदमी है। तो डॉक्टर कुमार ने कहा कि यार बाबूजी आप मेरे साथ वहाँ रह लो, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे फादर ने कहा, देख कुमार बेटे के रूप में तेरे वहाँ लग्जरी व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन तेरे उस कॉलोनी में मैं बंद पिंजरे का तोता हो जाऊंगा, या मैं बाहर बैठता हूँ चबूतरे पे ना, तो 3 पीढ़ियाँ मुझे परिणाम करती है, वो नशा यार तू हाँ मुझे कहाँ दे सकता है, तो ये नशा ही एक मुझे है इसे मैं काम कर पा रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा अनिल जी ने अपनी बात रखी, बाबूजी को माइक देना चाहूँगा मैं, आप इस तरह माइक को लगाते हुए आप अपनी आप भी बात रखें, तो आप बहुत एक्टिव हैं, आप बहुत एक्टिव बिजनेसमैन भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, और डॉक्टर चंद्रभान गोयल का नाम अपने आप में हमारे सीकर में बहुत ही इज्जत दिया जाता है, बार बार कह रहा हूँ वो हमारे साथी दुनिया में नहीं रहे हमारे बीच, बड़ा शहर सीकर शहर को एक बड़ा एक नुकसान मानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने भी देखा 96 से लेकर अब तक, 96 से लेकर अब तक देखा है मैंने कि बच्चे को यहीं एडमिशन दिलाएंगे, क्योंकि अपना पुराना रिश्ता भी है और जो व्यवस्था मैंने यहाँ देखी वो मेरे को और कहीं अच्छी नज़र नहीं आई, और मैंने बच्चों और बच्चियों को भी यहीं हॉस्टल में इनके नज़दीक बाहर छोड़ सकता था, मेरा परिवार यहाँ पूरा रहता है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ सुरक्षित है बच्चे, और मैं इस इनसे बहुत खुश हूँ। आगे मेरे 2 बच्चे और तैयार हो रहे हैं अभी, जो एक 10th में है, एक 11th में है, और मैं चाहता हूँ उनको भी इनके पास ही भेजूँ। बहुत बहुत मेरे को खुशी है कि आज मैं इनका जो इतना बड़ा जो देख रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि ये बिना ईश्वर के, बिना गुरु के चमत्कार हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल संभव नहीं है। गुरु का चमत्कार है जो आज यहाँ, और इनका और रहम जी का दुआ मुझे याद आता है कि देन हार कोई और है, देवत है दिन रहने, लोग भ्रम हमसे करे तासो नीचे ने, और इनका जो व्यवहार है आज, जहाँ इनको ऑफिस में बैठना चाहिए यहाँ बैठे हैं, सबसे मिलना जुलना ये कम नहीं है, नहीं तो आजकल जो डायरेक्टर होते हैं, मालिक होते हैं, वो अंदर बैठते हैं बाकी काम करने वाले के लिए, यहाँ बैठ के खुद निगाह करते हैं क्या करना और क्या नहीं करना है, लोग ये सोचते हैं यार ये आपके सर है, बच्चे को पूछते हैं आपके सर है, बोले हाँ यार अच्छा बहुत सीधे हैं एकदम, तो ये होना ही चाहिए, और मैं तो बहुत खुश हूँ।
थैंक यू गोयल साहब, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत सोशल वर्कर हैं। एक सिलेक्शन जो किस संस्था का होता है वो बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि मैं बेटी को माइक देना चाहूँगा कि आपके पापा जहाँ पढ़े आप वहाँ पढ़ रहे, आपको कैसा लगता होगा? मतलब जिस ताऊ जी जिस संस्था में आप पढ़े वही आपके गार्जियन पढ़े, एक ही बात है, पापा ताऊ चाचा एक ही बात है, अगली पीढ़ी आपकी होगी परिवार की, आपको कैसा लग रहा है? माइक देख के बताएं, बड़ा कैमरा को देखते हुए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहले मेरे ताऊ जी यहाँ पढ़ रहे थे और अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं, अच्छा रिजल्ट आप बना के देंगे। इस बालक को देते हैं माइक को। हाँ बेटा, आप भी अपनी बात रखें, माइक को अपने ऊपर लगा लें। तो ये देखो दो पीढ़ियाँ एक साथ बैठी हैं। हाँ बोलते से बोलते। हाँ पहले यहाँ मेरे पापा पढ़े थे, अब मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पढ़ने में। यहाँ की जो वो यहाँ की जो वो फंक्शन की क्वालिटी वो भी अच्छी है, पढ़ाते अच्छे यहाँ पे, हमें समझ में अच्छा आता है यहाँ पे, हमें अब घर जैसा माहौल मिल रहा है पढ़ने में। हमें यहाँ पे कोई कोई समस्या होती है तो हम बात कर लेते हैं, बॉस हमसे डेली बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हर बच्चे से बात करते हैं बॉस। और थैंक यू डियर। तो ये हमारी दो पीढ़ियाँ यहाँ बैठी हैं। एक मेरे मित्र हरियाणा से आए हुए हैं भारद्वाज जी, जिनकी बेटी डॉक्टर है, मेडिकल में है, आप और आपके धर्मपत्नी और आपके पारिवारिक एक मित्र हैं जो एडमिशन के लिए आए हैं, आप हाथ में लेते बोलने इसको, आप क्या करना चाहते हैं? मैं पंडित जी बोलता हूँ, पंडित जी आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो जी पंडित जी हूँ और खासकर जो जाट हैं उनका हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहा है। और मेरी एक इच्छा है अगले 5 साल में CLC से मुझे 50 MBBS बनाने, 50 हकीकत है, क्योंकि अब मैंने 22 बच्चे भेजे हैं ना, अगले साल इन बच्चों की संख्या 122 की सोच रहा हूँ मैं। मेरी सोच ये है क्योंकि सब कुछ तो है यहाँ, सबसे बड़ी आपकी जो सादगी है ना, हमारे जैसा भी आपको आगे राम राम बोल देता है, इससे बड़ी बात। आप अंदाता मेरे भाई, ओह आपकी ऐसे नहीं बोलते, आपकी फीस के ना, पैसे से मेरे घर में धमक आता है। फीस का तो जिक्र ही नहीं है जी, यहाँ पे फीस का जिक्र नहीं है, यहाँ पर तो आपका जो आम आदमी से जो मिलना है ना वही सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आपके लिए ऑफिस बना रखे हैं, वहाँ जाके बैठो आराम से, 2 मिनट हमारे से मिल लिए हम भी उछड़ते जाएंगे, बॉस से बात होगी, बॉस से तो बात ऐसी होती है भाई, आमने सामने। थैंक यू। अब मेरी धर्मपत्नी कुछ प्लीज। हाँ आप मैडम, आप इसके बगैर तो मैं भी अधूरा हूँ। बिल्कुल नहीं, इस इनके बिना तो, इनके लिए तो लाइन कहता हूँ मैं कि वो एक मूवी है बागवान, उसमें अमिताभ बच्चन लास्ट में खूब सफल होता तो हेमा मालिनी उनकी पत्नी रूप में होते, कहते हैं कि आप हो तो हम हैं और हम हैं तो सब कुछ है। प्लीज सर, मैं तो यही कहूँगी कि शिक्षा हर क्षेत्र में भी दी जाती है, हर जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार और जो इमोशन, यहाँ मतलब पैसे की वैल्यू नहीं है, यहाँ बच्चे को परखा जाता है, बच्चे की मेहनत और उसकी वो देखी जाती है, यहाँ मतलब पैसे की कोई की अहमियत नहीं है, कोई भी, आप सिर्फ उसको परखते हो और उसको हीरा बनाते हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, संस्कार और मेहनत, सिर्फ बच्चे की मेहनत। यहाँ गरीब बच्चा भी मतलब MBBS बन के निकलता है और अमीर की तो यहाँ कोई फ़र्क है ही नहीं, किसी भी चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं है। और दूसरे इंस्टीट्यूट में कहीं भी जाओ वहाँ सिर्फ फीस को महत्व दिया जाता है, तो यहाँ फीस की कोई बात नहीं है, मतलब गरीब बच्चा भी। और हमारे साथ तो जो आपने किया वो तो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं आते, खुद भगवान के रूप में कोई आते हैं, तो बस हमारे लिए तो भगवान ही हो आप, और आगे आपने बच्चे भी है। अभी मैं एक हफ्ता पहले एक भीलों का बच्चा ले गया था भीलवाड़ा से, आपने उसको जो आशीर्वाद देना था वो उसको दे दिया, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो डॉक्टर बन के निकले। थैंक यू भारद्वाज जी। आपने कहा कि उन्होंने 22 बच्चे भेजे दोस्तों, CLC ने जो कोरोना के 1.5 साल में अपने सब अपनों से संपर्क किए, अपने लोगों तक बात रखी, लाइव की, आपके घर में लाइव भी करके आया था, तो लोगों ने लगा कि CLC क्या है। मैं इस कोरोना का माफी चाहता हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कोरोना पीरियड का आभारी हूँ, कोरोना का क्या आभारी है, कोरोना पीरियड का मैं आभारी हूँ कि समय में, इस टफ समय में हमने वर्क किया, हम बिखरे नहीं हम निखर के आए, हम टूटे नहीं हम जुड़ के आए, और आज एक अच्छा सिस्टम आपके सामने है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे, आपकी बच्ची का आज एडमिशन हमारे वहाँ हुआ है। नमस्कार सर, कैमरे को देखते हैं मैडम। मंजीत लाकड़ा, ये इनके दोस्त हैं मेरे पति के, इन्होंने हमें प्रेरित किया,
हम अपनी बिटिया को लेकर आए, वो मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी कभी घर से, नहीं निकली हूँ मम्मा। मैं कहा नहीं बेटे, पापा मेहनत करते तो तू क्यों नहीं कर सकती, कर सकती है। मैं कहा उनकी बेटी हम भी बेस्ट डॉक्टर बन गई, आपकी भी बारी आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती और आपके आशीर्वाद से गुरुजी आपके सब बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? मैं तो यही कहूँगी सेल्सी सबसे बेस्ट कोचिंग है, जहाँ पे सेल्सी में जो व्यवस्था है वो और कोई किसी कोचिंग में नहीं मिल सकती, सेल्सी बेस्ट है, मैं यही कहूँ। थैंक यू, थैंक यू। आज का एक सब लोग आए बैठे थे तो इच्छा हुई एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि महाभारत के समय जब पांडव बहुत परेशान हो गए थे तो लोग कहते हैं भगवान राम को केवल गुस्सा एक बार आया जब समुद्र रास्ता नहीं दिया, और युधिष्ठिर परेशान तब हुआ जब अज्ञातवास चल रहा था तो कहा युधिष्ठिर ने कि अधिकार मांगने से ना मिले पाप संताप हो जाएं, बोलो धर्मराज जी या मर जाएं। तो ये बातें इसलिए कहता हूँ, ये बातें इसलिए करवाता हूँ ताकि लोग गलत हाथों ना चढ़ें। कि सीकर में एडमिशन के 2-3 प्रोसेस हैं, कुछ लोग बार्गेनिंग से, दलाली से, एजेंट्स के थ्रू बच्चे लाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो 2-2 पीढ़ियाँ दोस्तों जुड़ती नहीं है। एक हरियाणा का व्यक्ति, ना मेरा कोई, वो कहते ना ना कोई जान ना पहचान, केवल धर्म एक CLC का निभाया मैंने। और आज एक भाई हरियाणा बैठा 30-25 एडमिशन देता है और वो कहता है 50 डॉक्टर बनाऊंगा, चाहे मैं खेड़ापा जाता हूँ तो वहाँ तुलसी जाखड़ कहता है कि मैं 100 डॉक्टर बनाऊंगा। गोयल साहब कहते हैं कि हमारी सारी दुआएं आपके साथ हैं, 2 पीढ़ी आपके साथ बैठी हैं, यही CLC है। और अभी हमारे बीच UP से कुछ हमारे घर डॉक्टर साहब आए, प्लीज आप एक पर आए, एक वीडियो चल रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, आप बैठे हैं डॉक्टर साहब, ये माइक पकड़ के कुछ जो आपने महसूस किया, जो आपके मित्र आए हैं, देखो अचानक आए हैं अभी ये सुबह से आए हुए हैं, आप कैमरे को देखते से बताएं क्या आप कहाँ से, आप पूरा परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर राशिदुल खैर, मैं मऊ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मऊ जो UP से बिलोंग करता है, नियरेस्ट आजमगढ़। मैंने CLC के बारे में सुना, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं कलीग डॉक्टर आशीष साहब, वो आए हुए थे तो उन्होंने थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस किया। और सर मैंने आपका एक वो देखा था यूट्यूब पर, आपका मैंने लेक्चर सुना था, देखा था बहुत कुछ, तो मुझे लगा कि मैं चल के देखूँ। तो पहले तो मैंने सर आपका लेक्चर मैंने सुना, बहुत मैं उससे मुतासिर हुआ, काफ़ी इम्प्रेस हुआ मैं। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बार चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, इस प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, तो शायद मैं अच्छे से और वाच कर सकता हूँ। तो मैंने आया और आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बहुत बेस्ट है। और मैं 4 बच्चों का अपने सर यहाँ पे, 3 पहले से आपके दोस्तों के बच्चे, पहले और सर 4, 7-8 बच्चे हो गए, 8 बच्चों को। कितने दूरी पे आपका घर यहाँ से? यहाँ से 13 से 14। 13 और भाई 13, और आप गाड़ी चला के लेके आए खुद? बिल्कुल सर, मैं 1400 किलोमीटर गाड़ी से ड्राइव करके आया हूँ और आज ही मैं पहुँचा हूँ, कल मैं निकला था कल 3 बजे के आसपास। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ का जो डाउट था सर, जो व्यवस्था मुझे यहाँ मिली वो सर बाकी जगह पे नहीं है। सर मैं आपको इंस्टीट्यूट तो बहुत है, ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हम आपके सपनों पे खरा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और आप एक बात कहूँगा, मेरी एक बेटी है आपकी, मुस्लिम समाज की बेटी है, नम्रा टाक डॉक्टर है, वो जब सेलेक्ट होके गई यहाँ से तो लास्ट में उसने कहा, अंतिम बार जब मतलब यूँ सिलेक्शन के बाद मिलने आई तो उसने कहा सर एक अपील, मतलब जब बॉस बोलते हैं बॉस, एक निवेदन है। मैंने कहा बोल बेटा कि दुआओं में याद रखना, तो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, इसको खुल के बता। उसने इसका मतलब कि बॉस हमारे यहाँ जब हम दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हमारे अपनों की दुआएं मांगते हैं, उसको पहले याद करते हैं, हमारा अपना होता है। तो सर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप दुआओं में हमें याद रखना, हम आपके बच्चों के लिए 24 घंटे याद आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये तो हमारे डॉक्टर साहब थे यूपी से, ऐसे ही होता है, बैठे डॉक्टर साहब एक मिनट। तो ये हरियाणा, यूपी, राजस्थान, 96 के स्टूडेंट और लेटेस्ट स्टूडेंट, और ये एक व्यवस्था है, इसी का नाम CLC है। तो ये वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग देखें, खुशबू को पहुंचाएं, खुशबू का फायदा लें। तो दोस्तों आपके अपने CLC सीकर में काम करती है, NEET IIT दोनों पे काम करती है, और 8 मार्च 2022 को हम लोग डिफेंस एकेडमी लॉन्च कर रहे हैं, और जिसके मुहूर्त के एडमिशन 3 हमारे भाई ने करवा दिए हैं कि 3-4 बच्चे आपको साथ लेके आने। तो नेवी, एयरफोर्स, NDA का कोचिंग 8 मार्च 2022 को लॉन्च हो जाएगा। हमारा स्कूल है CBSE का, BR एक अच्छा डेवलप हो रहा है, स्कूल हमारा RBSE का है। कहने का मतलब है कि 6th क्लास से लेकर अप टू IIT मेडिकल किसी प्रकार का बच्चा आप हमें सौंप सकते हैं। और 96 से लेकर 21 26 साल से कोई परिवार, माफी चाहता हूं, वो भी महाजन परिवार, एक किसान परिवार विश्वास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं काम एक किसान का बेटा कर रहा है जो महाजन को प्रभावित कर रहा है। माफी चाहता हूँ, मेरे शब्दों में मेरे भाव पे जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति बिजनेसमैन है वो समझ सकता है गुणाबाग, इनके पास
सब सुविधाएं हैं, संसाधन है, पैसा है, ये कहीं भी अपना एडमिशन करा सकते थे, फिर भी आपने चुनाव किया सीएलसी का। ये सीएलसी की क्वालिटी कह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, व्यवहार कह सकते हैं, कुछ भी कहें, ये हमारी प्यारी सी सीएलसी कह सकते हैं। थैंक यू, जय सीएलसी।